अगर आज 20 सांसद मेरे पास होता, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन 20 सांसदों का नेतृत्व कर रहा होता, तो क्या है किसी की हिम्मत जो कह देता कि नमाज ऐसे पढ़ो ऐसे नहीं पढ़ो। राजनीति करने वाला जो सफ़ेद कपड़ा अपने तन पे डालता है, ये कफन है हमारे लिए, कफन है कफन। और ये कफन हमने अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं डाला है अपने तन पे, समाज के लिए डाला है, देश के लिए डाला है। जिसकी हम राजनीति करते हैं उसके दर्द को खत्म करने के लिए हमने ये कपड़ा को डाला है। जनता जागरूक हो गई है, वो जानती है कि ये सिर्फ वोट के लिए, अपने सत्ता प्राप्ति के लिए भगवान राम का नाम ले रहे हैं, बाकी शोषण किया जा रहा है। और उस शोषण से उभरने के लिए लोगों ने उसका बायकॉट किया है कि माननीय जी आप अकेले नहीं हैं, करोड़ों हिंदुस्तानी आपके साथ खड़ा है। आप संसद भवन में जब आवाज़ उठाएंगे, आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला करके सड़कों पे करोड़ों हिंदुस्तानी खड़ा मिलेगा। टैग बेशक आप हम पे लगाओ मुसलमानों की, लेकिन काम हमने सबका किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्स में, आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ पंडित मनमोहन जागामा, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से जो है हैदराबाद से असदुद्दीन अवैसी की बम्पर जीत हुई है, वहीं जो है इम्तियाज जलील की हार मिली है, करीब जो एक से डेढ़ 1,25,000 वोटों से वहां से हारे हैं। अख्तरुल ईमान जो है किशनगंज से हारे हैं। तो इन मुद्दों पर चर्चा कर लें, क्योंकि जिस तरह के कहा जा रहा है कि मुसलमानों की हक की आवाज़ उठाने के लिए मुस्लिम नेताओं की कमी पड़ रही है सदन में, असदुद्दीन अवैसी अब इकलौते जो है सांसद बच गए हैं MIM पार्टी के, वही दूसरी पार्टियों के भी मुस्लिम सांसद जो है जा रहे सदन, लेकिन जिस तरह के बोलने वाले के जो हक की आवाज़ मुसलमानों के मुद्दे पर बात करने वाले की अगर बात की जाए, तो ऐसे कोई नेता वैसी छोड़ के दिखाई नहीं दे रहे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर ले, किस देख रहे हैं। एक तरफ तो असदुद्दीन अवैसी बम्पर वोटों से जीत गए, इम्तियाज जलील हार गए, किस तरह से देख रहे हैं दोनों को? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जीत की वजह कई है, क्योंकि वो जनता के बीच होते हैं, बूथ मैनेजमेंट उनका स्ट्रांग होता है, लोगों के काम आते हैं। आप देखते होंगे कि अगर वो बिहार में चुनाव प्रचार करके हैदराबाद अगर पहुंचे हैं, तो नेक्स्ट डे वो दारू सलाम अपने टेबल पे होते हैं, हाजिरी देते हैं, वो जनता की आवाज़ को सुनते हैं। और इम्तियाज जलील साहब की जहाँ तक बात है, इम्तियाज जलील साहब भी बहुत जुझारू हैं। उनको आपने देखा कि किस तरीके से बंधन बैंक के द्वारा जो गरीबों की गाढ़ी कमाई लूटी गई, उसमें अधिकतर पैसे हमारे हिंदू भाइयों का था, उस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम किया। लेकिन कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी जब बांस को काट रहा होता है, तो वो बांस कहता है कि ए कुल्हाड़ी तेरी औकात क्या है, क्योंकि तेरे अंदर जो घुसा पड़ा है ना, वो मेरा अपना भाई है। तो उस बांस कुल्हाड़ी में जो डंडा लगा हुआ है, वो बांस का ही डंडा लगा होता है, और वो रीजन रहा है हमारे इम्तियाज जलील साहब का हारने का। और कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब अपना गद्दार हो जाए, अपना ही साथ न चले, तो बड़ा मुश्किल होता है जंग जीतना। जबकि इम्तियाज जलील साहब वो सांसद रहे कि हिंदुस्तान के सभी सांसदों में सबसे ज़्यादा सवाल उठाने वालों में रहे, और वो सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ नहीं, वो हिंदू एक्ट पे भी बात की उन्होंने, उन्होंने मुसलमानों के हक की बात की, दलितों के हक की बात की, पिछड़ों के हक की बात की। महिलाओं को जब आरक्षण दिया जा रहा था उस वक्त में, पिछड़े महिला और मुस्लिम महिलाओं को मिले अधिकार, इसकी भी आवाज़ हमारे नेताओं ने उठाने का काम किया, सर्व समाज का हमने काम किया। टैग बेशक आप हम पे लगाओ मुसलमानों की, लेकिन काम हमने सबका किया। लेकिन जब अपना ही जो उनसे ताकत पा करके वहाँ पे अपनी दलाली की दुकान चलाने के लिए हमारे नेता को हराने का काम किया, और हमारा नेता हारा नहीं है, आज भी लगभग 4,00,000 लोगों ने उनको अपना सांसद माना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के संभाजी नगर के उन मतदाताओं को मायूस नहीं करेंगे, उनको ये सदैव एहसास कराते रहेंगे, 5 सालों तक अनवरत उनके लिए लड़ाई वो लड़ेंगे, और उन्हें एहसास दिलाएंगे कि मैं आपका सांसद हूँ और आप मायूस ना हो। बिल्कुल दुख होगा, कैसे नहीं होगा साहब, बाजू अपना कहते हैं मेरा बाजू। एक हमारे यहाँ कहा जाता है कि देहरी पकड़ के मेहरी रोबे, अब बाँह पकड़ के भाई, अब बीचे अंगनमा माता जी रोबे, होखा था बबुआ के विदाई। अगर कोई भाई भाई का भाई चला जाता है, तो पत्नी तो इसलिए रोती है कि मेरा पति चला गया, वो दरवाजे पर खड़ी खड़ी रोती है कि मेरा गुजारा कैसे होगा। माँ बीच अंगने में छाती पीट के रोती, उसको कोई स्वार्थ नहीं होता उस बेटे से, वो बेटा रोटी दे या ना दे,
लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा लाल चला गया, कलेजा का टुकड़ा चला गया तो रोता है। और एक भाई जो होता है अपने भाई के बाजू को पकड़ करके रोता है कि अब मेरा भाई कौन होगा, मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के कौन चलेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने नेता, अपने महबूब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एहसास दिलाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि माननीय जी आप अकेले नहीं हैं, करोड़ों हिंदुस्तानी आपके साथ खड़ा है। आप संसद भवन में जब आवाज़ उठाएंगे, आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला करके सड़कों पे करोड़ों हिंदुस्तानी खड़ा मिलेगा। अच्छा, लेकिन जिस तरह से असदुद्दीन वैसी वहाँ से हैदराबाद से चुनाव जीते हैं, वहाँ पे बीजेपी की माधवी लता वो कह रही थी कि हरा देंगे 1 लाख से ज़्यादा वोटों से, मस्जिद की तस्वीर भी आप देखे होंगे तीर चलाते हुए, क्या लग रहा है हिंदू मुस्लिम फैक्टर इस बार काम नहीं किया, क्योंकि भाजपा के फायर ब्रांड नेता होम मिनिस्टर खुद वहाँ हैदराबाद में जाकर डेरा जमाए हुए थे। देखिए, नफरत कब तक चलाओगे, काट की हंडी पे भोजन कब तक बन सकता है बताएं हमें। काट की हंडी पे एक बार नहीं, दो बार आप बना लोगे फिर वो खत्म हो जाता है। तो झूठ का हाथ पांव नहीं होता। अमित शाह जी भी झूठ बोलने गए थे वहाँ, योगी जी भी झूठ बोल के आए वहाँ पे, प्रधानमंत्री जी भी झूठ बोल के आए, और उसका नतीजा रहा कि वहाँ की जनता ने उनके झूठ को नकारा है, माधवी लता के नफरती अंदाज को नकारा है। और बैरिस्टर साहब को चमकती नूर हंसता हुआ नूरानी चेहरा जो हमारे नेता का, उस चेहरे पर विश्वास किया है और जनता ने उनको ताकत दिया है। क्या लग रहा है गामा जी, इस बार हिंदू मुस्लिम फैक्टर क्यों नहीं काम किया? अगर देखा जाए अयोध्या जो केंद्र था राम मंदिर का मुद्दा को भाजपा ने हर जगह उठाया है, लेकिन वहीं से भाजपा हार जाती है। देखिए, राम मंदिर या राम आस्था का विषय है, हमारा धर्म वो धर्म है, हमारा धारण करने की चीज़ है। उसके नाम पे आप राजनीति करोगे, राम जी के नाम पर आप लोगों को ठगने का काम करोगे, तो आप ये कैसे भूल जाते हो कि यहाँ के हिंदुओं ने, यहाँ के सनातनियों ने ये रामायण में पढ़ा है, देखा है कि उसी भगवा चोला को पहन करके कभी रावण आया था और माता सीता का हरण कर लिया था, उसी तरीके से आप भगवान राम के नाम पर जो है लोगों का मत का तो हरण किया था पहले, लेकिन अब वो जनता जागरूक हो गई है, वो जानती है कि ये सिर्फ वोट के लिए, अपने सत्ता प्राप्ति के लिए भगवान राम का नाम ले रहे हैं, बाकी शोषण किया जा रहा है, और उस शोषण से उबरने के लिए लोगों ने उसका बायकॉट किया है। तो क्या जिस तरह अब क्या समझा जाए कि मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले जो सांसद थे सदन में, अब असदुद्दीन वैसी बच गए, बदरुद्दीन अजमल भी हार गए हैं इस बार चुनाव, क्या लग रहा है कि अब कितना कमी महसूस होगा वहाँ? देखिए, सांसद तो वैसे 26 है मुस्लिम, लेकिन लगता है, क्या मैं उम्मीद करूं कि उस 26 में एक ही शेर है, बाकी क्या वो दानिश अली की तरह रोएगा या नहीं रोएगा, मैं पूछना चाहता हूं। क्या वो दानिश अली की तरह अब शब्दों को सुन करके अपने समाज की तोहिन तो नहीं करेगा, संविधान की तोहिन तो नहीं करेगा? क्या उसके मुंह पे समाजवादी का टेप चिपका हुआ रहेगा? अपने सवाल आप हमसे हिंदुत्व पे पूछो, मैं कहता हूँ ना कि मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मेरा नेता कहता है गर्व से कि मैं मुसलमान हूँ, तो वो मजहब अपनी जगह है, लेकिन जब हक और अधिकार की बात आए उस वक्त में समाजवादी का टेप हट जाना चाहिए, कांग्रेस का टेप हट जाना चाहिए, जैसे हमारे मुंह पे से MIM का टेप हट जाता है जब भगवान राम की बात आती है, हम उसमें आस्था दिखाते हैं ना भाई। हमारा नेता कहता है कि पंडित जी आप ब्राह्मण हो, हिंदू हो, आप अपने धर्म को मानो, हम दोनों मिलकर संविधान को बचाएंगे और संविधान के तहत आम लोगों को उसका अधिकार दिलाएंगे, तो ये सभी पार्टी में लागू होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि ये 25 के 25 बंडमरू बन के आए हैं, जब कहेगा ताली बजाओ तो बजाएगा, जब कहेगा हम बेंच टपटपाओ तो टपटपाएगा, कहेगा चुप बैठ जाओ तो बैठ जाओ, बाकआउट तो बाकआउट कर लेगा, बात खत्म, अपना रोटी दाल चलता रहेगा, हो गया कहानी खत्म, कौम जाए बाहर में। लेकिन लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा? आएगा आएगा, समय लगता है, थोड़ा और वक्त है, और कुछ कमियां हम में भी रही होगी, कहते ना यूं ही कोई बेवफा नहीं हुआ करते, कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, तो कुछ कमी हम में भी है। हम जनता तक अपने नेता के विजन को पहुंचाने में असफल रहे हैं अब तक, और मैं कहीं इसमें कोताही नहीं बरतूंगा आपको कहने में कि हम नेता ये सोचते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर ही हम चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव आता है, हम सक्रिय होते हैं, कुर्ता पजामा पे क्लफ होता है हमारा, और चुनाव बाद फिर हम अपने बिजनेस में लग जाते हैं, और फिर चुनाव आएगा तो फिर हम सक्रिय हो जाएंगे, तो जनता बेवकूफ है क्या? स्टेटमेंट दे रहे हैं बिल्कुल। अरे हम राजनीति करते हैं भाई, राजनीति करने वाला जो सफ़ेद कपड़ा अपने तन पे डालता है, ये कफन है हमारे लिए, कफन है, कफन
और ये कफन हमने अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं डाला, अपने तन पे समाज के लिए डाला है, देश के लिए डाला है, जिसकी हम राजनीति करते हैं उसके दर्द को खत्म करने के लिए हमने ये कपड़ा को डाला है, और उनके दर्द को हटाने के लिए लड़ते लड़ते अगर मैं शहीद भी हो जाऊँ तो भी फर्क नहीं पड़ता। और इस सोच के साथ हम सभी कार्यकर्ताओं को, हम नेताओं को आज से ही, अभी से ही जनता के बीच रहना होगा, जनता के दुख दर्द में रहना होगा, तब कहीं जाकर के हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम पूरे हिंदुस्तान में लहरता हुआ देख सकते हैं। ओवैसी साहब जो है चुनाव जीते उसके बाद कहे कि जो मोदी को रोक सकता है प्रधानमंत्री बनने से हम उसका साथ देंगे, लेकिन फिर भी भाजपा के बी टीम ए टीम इस तरह के बयान आते रहते हैं। मैं वही तो उनसे कहना चाहता हूँ, जो हमें बी टीम और ए टीम और सी टीम की जो तमगा देने का काम करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आज 20 सांसद मेरे पास होता, ऑल इंडिया में जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन 20 सांसदों का नेतृत्व कर रहा होता, तो क्या है किसी की हिम्मत जो कह देता कि नमाज ऐसे पढ़ो ऐसे नहीं पढ़ो? है किसी की हिम्मत जो कह देता कि तुम ऐसे टोपी लगा के मत घूमो? है किसी की हिम्मत जो कह देता कि हम मुसलमानों के अधिकार का हनन कर लेंगे? जब यह अधिकार संविधान ने हमें दिया है तो इस अधिकार को हमें मुसलमानों तक पहुंचाना होगा, मुसलमानों का उत्थान करना होगा। जब तक मुसलमान मजबूत नहीं होता है हमारे देश में, तब तक मजबूत हिंदुस्तान की कल्पना हम और आप नहीं कर सकते साहब। तो इसलिए उन चमचों को समझना चाहिए कि भाई तुम्हारी भलाई हो गई, बहुत दिन तुमने कर ली अपनी दल्लागिरी, बहुत पैसे कमा लिए, तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो गरीब मुसलमान भाई हमारा अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, उनको सही रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, जो उनको अधिकार मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा, तो अब उनको प्राप्त कर लेने दो, उन्हें डराना धमकाना बंद कर दो कि भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी। अरे आ जाए कल आ जाए, हमारे सेहत पर क्या फ़र्क पड़ रहा, हम अकेला है ना, ठोक के रख देंगे, बराबर का हिसाब लेंगे। अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं किसी मुसलमान पे, कहीं किसी दलित पे, कहीं किसी कमजोर हिंदू पे जुल्म होगा, तो सबसे पहले मुखरता के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको सड़कों पे संघर्ष करता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया।